दोस्तों, ये एक मैं वीडियो बना रहा हूँ टेरेस को लेकर के, यानी छत को लेकर के। ये मकान जो है ये गांव का मकान है, गांव में है। यहाँ पे टेरेस पे मैंने ये टाइल्स लगवाई है, सेकंड का माल है ये, जिसमें पूरा प्रॉपर गैप रखा है। और गैप भी कितना है, अप्रोक्सीमेट 10 mm टू 15 mm के अराउंड, 12 mm यानी 10 से 12 15 mm तक का गैप रखा है इसमें। ये टाइल्स देखिए आप, और साइड में स्कर्टिंग को भी मैंने लगवाया है, बट उससे पहले कंक्रीट का डलवाया है साइड में, ताकि कल को कोई लीकेज है वो साइड में जाने की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं हो वॉल के पैरल में। अभी इसकी ग्राउटिंग ड्यूज है, ग्राउटिंग बाकी है, ग्राउट होएगा। और जो स्कर्टिंग आई है वो इस तरह से स्कर्टिंग आ गई है। ये सारा का सारा इस तरह से, ये ज़्यादा बेटर है। अपन मोस्ट प्रोबेबल जो काम होता है उसमें इसको अपन जॉइंट लेस लगाते हैं टाइल्स को, और जॉइंट लेस लगाने से जो जॉइंट के बीच का जो हल्का सा, भले वो 0.5 mm का ही हो, वो गैप बच जाता है, वो वहाँ पे न तो ग्राउटिंग जाता है प्रॉपर, और अगर ग्राउटिंग एक बार हो भी गया तो वो कभी भी निकल सकता है या प्रॉपर वर्क नहीं करता है। यहाँ पे इस केस में अगर ये ग्राउट कल को किसी भी प्रकार से डैमेज हो जाता है, तो इस ग्राउट को वापस निकाल करके और अपन वापस ग्राउटिंग रीग्राउटिंग कर सकते हैं इसको। बट जॉइंट लेस में कहीं भी ये चांसेस नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है विदाउट कि अपन टाइल को पूरी को तोड़ें, फिर उसके बाद होगा। अब ये देखिए, इसको फिल करेंगे और चारों तरफ स्कर्टिंग लगी है। ये टेरेस में इस तरह से अगर अपन लगाते हैं तो ये बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा सिस्टम रहेगा, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, और बताइए अपने लोगों को इसके बारे में भी, और अच्छी इसके लिए भी अगर आप लोगों के पास इससे रिलेटेड कोई अच्छा सजेशन हो तो वो भी बताइए आप। थैंक यू।